सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि बच्चों में अगर बेल्स पाल्सी हुई है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में कोई भी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उनको थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, प्लस हमें खुद नहीं पता चलता बच्चों को आखिर में हुआ क्या है। तो अगर आपके बच्चे को बेल्स पाल्सी की शिकायत हुई है तो आपको कैसे उसे मैनेज करना है, क्या क्या उसके स्पेसिफिक लक्षण हैं, आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। एंड चलिए वीडियो की शुरुआत करें। तो सबसे पहले सबसे कॉमन चीज़, व्हाट इज़ बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या है आपको ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बताया है, बेल्स पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी एक नस होती है जो यहाँ से निकलती है, जिसको बोलते हैं हम फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व में किसी तरह से सूजन आ जाने के कारण, इन्फेक्शन के कारण, ये इसका मेन कारण है बेल्स पाल्सी होने का। और जो बेल्स पाल्सी है वो हमेशा अचानक ही होती है, मतलब जैसे आप रात को सो गए, अगले दिन आपने देखा फेस पैरालाइज्ड है, आधा हिस्सा चेहरे का चल ही नहीं रहा है, आंखें अच्छे से बंद नहीं हो रही है। तो जो बेल्स पाल्सी का ऑनसेट होता है वो बहुत ही सडन होता है, मतलब अचानक से ही ये फेस पे पैरालिसिस कर देता है। तो ये है बेल्स पाल्सी, जो कि इसको बाकी फेशियल पाल्सी से काफ़ी अलग करता है, क्योंकि बाकी जो फेशियल पैरालिसिस है या तो वो सर में चोट लगने के कारण या फेस में डायरेक्ट चोट लगने के कारण होते हैं, लेकिन बेल्स पाल्सी किसी भी अननोन रीज़न से अचानक ही हमारे फेस को पैरालाइज कर देती है। तो बच्चों में भी यही देखा गया है। तो आइए अब ये जाने कि बच्चों में क्या कारण है बेल्स पाल्सी का। तो बच्चों में जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है वायरल इन्फेक्शंस। जैसे अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो हर्पीज वायरस हो गया, HSV वायरस, इसके इन्फेक्शन की वजह से भी बेल्स पाल्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड बेल्स पाल्सी जो है वो ज़्यादातर इडियोपैथिक है, मतलब कि इसका मेन जो कॉज है वो अभी तक नहीं पता चल पाए, लेकिन जो फैक्टर्स हैं जो बेल्स पाल्सी को बढ़ावा देते हैं वो है वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, चिकन पॉक्स वायरस हो गया। तो बच्चों में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस के कारण बेल्स पाल्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो फिर अगर ट्यूमर है किसी पेशेंट को, ट्यूमर की वजह से भी बेल्स पाल्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी ऐसे एसोसिएटेड कंडीशंस हैं जैसे लाइम डिजीज़ लाइक मोबियस सिंड्रोम में के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन मोबियस सिंड्रोम के कारण भी बेल्स पाल्सी के चांसेस छोटे बच्चों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है मुख्य कारण बच्चों में बेल्स पाल्सी होने का। अब आइए ये जाने कि बेल्स पाल्सी जो है वो उसके लक्षण बच्चों में किस तरह से। तो छोटे बच्चों में जो बेल्स पाल्सी के लक्षण है वो इस प्रकार दिखेंगे कि जो बच्चा जब रोएगा तो उसका जो लिप्स है एक तरफ का वो आपको डेविएटेड फील होगा, यानी कि टेढ़ा फील होगा। एंड आँखों में ज़्यादातर ड्राइनेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब बेल्स पाल्सी होती है तो हमारी आँखों में हम अपने पलकों को नहीं झपका पाते, जिससे आँखों में ड्राइनेस रहती है। तो कॉन्स्टेंट आपको थोड़ा जब पानी देखने को मिलेगा बच्चे की आँखों में, और इरिटेबल होगा बच्चा, बहुत ज़्यादा मतलब क्राइंग, छोटे बच्चों में क्राइंग देखने को मिलता है। और बच्चा जो है वो जब रोएगा तो रोने में जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसमें कभी कभी आप नोटिस कीजिए तो कभी कोई बच्चा ऐसे आईब्रोज मतलब फ्राउन करके रोता है, तो कैसे ऐसे टाइप के बच्चे मतलब रोते हैं। तो जब बच्चा रोएगा तो जिस तरफ उसका पैरालाइज एरिया होगा उस तरफ में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लिप्स में हल्का फुल्का डेविएशन देखने को मिलेगा, इरिटेबल रहेंगे बच्चे, कॉन्स्टेंट क्राइंग, मतलब ज़्यादातर रोते हैं बच्चे। और हमें क्या देखने को मिलेगा, और अगर ज़्यादा ही छोटा बच्चा है तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। एक और चीज़, जैसे कि बच्चा क्या नॉर्मल, आप एडल्ट्स को ले लीजिए, तो जब भी हमारे मुंह में सलाइवा होता है या तो थूक होता है उसको हम अच्छे से स्वालो कर पाते हैं, लेकिन बेल्स पाल्सी में क्या होता है हमारा एक साइड का लिप्स अच्छे से वर्क नहीं करता तो हमें ड्रूलिंग देखने को मिलती है। तो सेम यही बच्चों में भी देखने को मिलेगी, लेकिन कभी कभी हम इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो ऑफकोर्स ड्रूल करते ही हैं, सारे बच्चे मतलब कुछ बच्चे ड्रूल करते हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव ड्रूलिंग देखने को मिल रही है तो येस, इट कुड बी अ साइन ऑफ अ बेल्स पाल्सी। तो ज़्यादा छोटे बच्चों में भी मैंने जो सिम्टम्स बताए वो ये हैं। एंड जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, टॉडलर है, उसको तो आप अच्छे से देख के समझ जाओगे, आईब्रोज को नहीं मूव कर पाएगा, अपनी आईज को अच्छे से नहीं ब्लिंक कर पाएगा बच्चा, स्माइल देगा तो डेविएटेड स्माइल, मतलब टेढ़ा आपको स्माइल देखने को मिलेगा छोटे बच्चों में। एंड अगर टॉडलर्स आपका अच्छे से बोल रहा है तो अगेन वो बताएगा मम्मा या डैडी हेडेक हो रहा है मेरे को, हेडेक और फेशियल पेन।
और एक तरफ के कान में कुछ आवाज़ों का सुनाई देना, तो ये जो है ये है कॉमन बेल्स पाल्सी के लक्षण जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। एंड बच्चों में जैसे कि मैंने बताया बेल्स पाल्सी एक सडन ऑनसेट है, मतलब जैसे एक दो दिन में ही ये डेवलप हो जाता है, ये ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे डेवलप होगा, ये अचानक ही अटैक करता है। तो ये है बेल्स पाल्सी के लक्षण जो कि मैंने आपको बताया, जो आपको टॉडलर्स में या छोटे बच्चों में ही देखने को मिलेंगे। तो वॉट इज़ गुड न्यूज़ इन बेल्स पाल्सी इन किड्स? तो बेल्स पाल्सी अगर बच्चों में होती है तो अच्छी बात यह है कि बच्चे जो है वो बहुत अच्छे रिकवर करते हैं बेल्स पाल्सी में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं लेके भी चलूँ तो 12 मंथ्स में, मतलब एक साल ही लगा लीजिए आप, उसमें कंप्लीट रिकवरी बच्चों की हो जाती है। बट बहुत रेयर केसेस है जिसमें कि टाइम लग सकता है, बट यस, बच्चों में बेल्स पाल्सी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है एज़ कम्पेयर टू। चलिए अब बात करते हैं असेसमेंट की, मतलब कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो क्या असेस करेंगे। ये आप लोग का जानना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं, मतलब जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्स पाल्सी के असेसमेंट के लिए। अगर ये आपको पता रहेंगे तो वेल एंड गुड, आप ही के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप इस डिज़ीज़ को अपने बच्चे के लिए जान पाएंगे उतना अच्छा आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द असेसमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी। सबसे पहले डॉक्टर्स पूछेंगे ऑनसेट, मतलब कि ये कब हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेल्स पाल्सी जो है वो ज़्यादातर एक दो दिन में या ओवरनाइट डेवलप हो जाती है, मतलब कि इसका ऑनसेट जो है वो सडन है, मतलब ये अचानक होती है। देन अगर बच्चा बोल पाता है तो डॉक्टर्स पूछेंगे आपके पेन एरियाज कि आपको कहाँ कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इसका जो पेन एरिया है वो है फेस एंड ईयर, कान और जो हमारा फेस है इसमें ज़्यादातर बेल्स पाल्सी में पेन देखा गया है। तो पेन का एरिया होगा हमारा ईयर्स एंड फेस। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आँखें ज़्यादातर इसमें सूखी रहेंगी और पुअर टीयर टॉलरेंस, मतलब कि आँखों से बच्चे के आंसू शुरू में तो ज़्यादा आते रहेंगे क्योंकि आँखें जब ड्राई हो जाती हैं तो ऑफकोर्स टीयर्स बार बार आते रहते हैं। तो ये आपको बेल्स पाल्सी में देखने को मिलेगा। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये डॉक्टर्स आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे पूछ। आइए अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स ऑफ बेल्स पाल्सी, मतलब कि अगर बच्चे को बेल्स पाल्सी कंफर्म हो गया है तो ठीक है, लेकिन बेल्स पाल्सी के जैसे ही दिखने वाले काफ़ी और बीमारियां होती हैं जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फेशियल पाल्सी बेल्स पाल्सी हो, ये कोई और कारणों की वजह से भी हो सकती है, तो डॉक्टर्स उसको भी रूल आउट करते हैं। तो आइए जाने वो और कौन सी डिजीज़ है जो लगती बेल्स पाल्सी की तरह है पर होती नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन जो बेल्स पाल्सी की तरह कोई कोई फीचर्स देता है वो है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में क्या देखने को मिलेगा, फेस में पैरालाइज्ड, आर्म्स में वीकनेस, लेग्स में वीकनेस, डबल विजन, बच्चे को जो है वो धुंधला दिखाई देगा, हल्का हल्का सर में दर्द रहेगा। तो अगर ये सिम्टम अगर आपके बच्चे में है तो इट कुड बी अ स्ट्रोक, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फेशियल पाल्सी में लगता है कि वो बेल्स पाल्सी है क्योंकि इसमें फेस भी पैरालाइज्ड होता है। लेकिन अगर हाथ और पैरों का इन्वॉल्वमेंट है तो यस इट इज़ स्ट्रोक। सेकेंड इज़ हाइपर एक्यूसिस। तो हाइपर एक्यूसिस में क्या होता है कि मतलब जैसे कोई आवाज़ होती है वो हमें कान में बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देती है, तो सेंसिटिविटी टू साउंड इज़ नोन एज हाइपर एक्यूसिस। तो ये भी एक कंडीशन है जो कि बेल्स पाल्सी की तरह लग सकती है। एंड थर्ड इज़ कोई भी ट्रॉमा की वजह से या फिर इंजरी की वजह से अगर फेशियल नर्व इंजर्ड हो गई है देन इट कुड लीड टू बेल्स पाल्सी। बट ये एग्जैक्ट एंड नाउ सिवियर फेशियल पेन, अगर चेहरे में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये मैस्टॉइडाइटिस भी हो सकता है। ये कंडीशन है जिसमें कि हमारे फेस की बोन्स में पेन होता है, तो इट कुड ऑल्सो बी मिमिक लाइक बेल्स पाल्सी। तो ये जो मैंने आपको बताई है कंडीशन, ये लगती बेल्स पाल्सी जैसी होती है पर बेल्स पाल्सी नहीं होती, तो डॉक्टर्स भी ये रूल आउट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जामिनेशन। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन में हमें क्या पता चलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन। डॉक्टर्स आपके बच्चे के फेशियल नर्व को अच्छे से एग्जामिन करेंगे और भी वो चीज़ें एग्जामिन करेंगे जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, अगर रिक्वायर्ड है तो नर्व्स का एनसीवी भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं बच्चों में एंड किसी किसी केसेस में एक्सरेज भी करवाते हैं जिससे कि पता चले कहीं बोनी डिफॉर्मिटी की वजह से तो ये नर्व कहीं पिंच नहीं होगी फेशियल नर्व। तो ये सारे एग्जामिनेशंस डॉक्टर रन करवाते हैं अच्छे से बेल्स पाल्सी को डिटेक्ट। तो जैसे कि हमने बात की एग्जामिनेशन की, आइए बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, हमें बेल्स पाल्सी को बच्चों में कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो जैसे आपके बच्चे को अगर बेल्स पाल्सी का अटैक आता है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। आप प्लीज़ इसका इंतज़ार मत कीजिए कि क्या पता ये खुद ही ठीक हो जाएगा, क्या पता
टाइम नहीं लगेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इस तरह की थिंकिंग बिल्कुल मत रखिए। जैसे ही अगर आपको लगता है बच्चा अपने फेस को अच्छे से नहीं मूव कर पा रहा है, तो आप सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेंगे, शुरू में बच्चे को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, कंफर्म करेंगे कि येस बेल्स पाल्सी है कि नहीं, देन बच्चों के लिए मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। मेडिकेशन का फायदा ये है कि शुरू में जो है वो फेशियल नर्व की जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, जिसके कारण अच्छे से फेस नहीं मूव हो पाता हमारा, तो उसको वो स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड अगर बच्चे को फीवर है तो उसको भी मेडिसिन के थ्रू रिड्यूस करने में मेडिकेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीलिंग में बेल्स पाल्सी की। तो ज़रूरी ये है कि जल्द, तो मेडिकेशंस के बाद आती है दूसरी चीज़ आई केयर। बच्चों में आंखों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बेल्स पाल्सी में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आप अपनी आंखों को अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो ड्राइनेस की वजह से वो डैमेज हो सकती है, विजन इम्पेयर हो सकता है, मतलब कि दिखना कम हो सकता है। तो आंखों की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेल्स पाल्सी में। तो आपको क्या करना है, अगर आंखें ज़्यादा ड्राई हैं तो डॉक्टर्स आपको एक ल्यूब्रिकेंट देंगे या फिर एक ऑइंटमेंट देंगे, उसको आंखों में नियमित रूप से डालते रहना है जब तक कि वो एडवाइज्ड हो, क्योंकि आंखें अगर बच्चों की आंखों में अगर नमी रहेगी तो आंखें सही रहेंगी। आंखों को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। और रात को क्या करना है, अगर आंखें खुली की खुली रहती हैं तो मैं इसके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल शेयर करूंगी कि आई केयर बच्चों में कैसे करनी है बेल्स पाल्सी में। तो आई केयर के लिए सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है ऑइंटमेंट, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा बच्चों की आँखों को मॉइस्ट रखने के लिए। अब तीसरी चीज़ है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस। तो अगर ज़्यादा ही छोटा बच्चा है तो उसमें तो एक्सरसाइजेस हम नहीं करवा सकते, लेकिन हमें कैसे बच्चों में मसाज करना है, कैसे उनको एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना है, जो थोड़े बहुत बड़े बच्चे उनमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, जिसमें मैं डिटेल रूप में बताऊँगी कि बच्चों में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होगा बेल्स पाल्सी का, एंड बच्चों में कैसे आप एक्सरसाइज करवाएंगे, वो सारी डिटेल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। एंड इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों में बेल्स पाल्सी क्या होती है, क्या लक्षण है, असेसमेंट सिम्टम्स, तो ये एक जनरल ओवरव्यू था बच्चों की बेल्स पाल्सी का, क्योंकि बच्चों में कभी कभी देखा गया है कि हम पता नहीं लगा पाते शुरू में कि बेल्स पाल्सी है कि नहीं, तो वो नौबत ना आए इसके लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है बेल्स पाल्सी बच्चों में क्या होती है। तो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा, एंड कोई अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोशन प्रोफिजियोथेरेपी। एंड अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बेल्स पाल्सी बच्चों में उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, उनका मैनेजमेंट एंड आई केयर की टेक्निक कैसे करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मोशन प्रोफिजियोथेरेपी चैनल के साथ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।